यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा के हिसार से अगले 2 से 3 महीने में दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। शुरुआत में यहां से 10 से 12 सीटर हवाई जहाज चलेंगे। हिसार के स्थानीय विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने शनिवार को हिसार में कहा कि हरियाणा सरकार हिसार हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। हवाई अड्डे के लिए सरकार अब तक विभिन्न 16 सरकारी विभागों से 4,300 एकड़ जमीन लेकर एविएशन विभाग को सौंप चुकी है। गुप्ता ने कहा कि एयरपोर्ट का विकास 3 चरण में किया जाएगा। प्रथम चरण में वर्तमान हवाई पट्टी को बनाकर 4,000 फीट किया जाएगा। हिसार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हिसार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का विचार किया और उसकी घोषणा की, और केवल घोषणा ही नहीं की, उस पर काम भी किया। हमने इसका सर्वे करवा के और लगभग 4,300 एकड़ ज़मीन जो कि अलग अलग 16 महकमों के पास थी, उन सब से इकट्ठा करके उसको एविएशन डिपार्टमेंट को सौंपने का काम किया।